सेवा जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे कोयतु जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने छत्तीसगढ़ की प्रमुख त्यौहार जिसे पूरे देश में मनाया जाता है दीपावली के बारे में। और दोस्तों इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है अनार्य धर्मी जी लिंगो जी। स्वागत है हमारे कोयतु जैन यूट्यूब चैनल। तो लिंगो जी आप बताएंगे कि ये दीपावली पर्व, जैसे हमारे हिंदू भाई लोग कहते हैं कि राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में, उसके राज तिलक की खुशी में वो लोग दीप जला के दीपावली मनाते हैं, ये उनका इतिहास रहा है। तो जैसे आदिवासी, जैसे हमारे आदिवासी समाज में क्या हम लोग भी राम जी के आने की खुशी में ऐसा दीपावली मनाते हैं कि इनके पीछे आदिवासियों का अलग इतिहास? देखिए पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो गोंडी मैथोलॉजी में दीपावली शब्द उल्लेखित नहीं है। रही बात राम जी की बात है तो राम जी की वो लोग मनाएं, लेकिन जिस दिन आज भी हमारे गांव के बुजुर्गों को पूछ लेना कौन राम जी है, कैसे राम जी है, कैसे वो अयोध्या से आए, अयोध्या में आए को लौटे, इसके बारे में हमको कोई जिक्र नहीं है, हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं। हमारे में सुरुत्ति और दीवारी, मतलब सुरुत्ति दीवारी के रूप में हम इसको जानते थे और इसको आज भी हम मानते हैं। हमारे लोग को पूछोगे तो कोई भी लोग बता देंगे यहाँ के मूल निवासी ST ST OBC जो क्या कहते हैं सुरुत्ति दीवारी, तो सुरुत्ति दीवारी को हम मनाते हैं और आज भी हमारे समाज मानते हैं। रही बात उसमें राम जी के इतिहास जोड़ना, कपोल कल्पित कहानी को जोड़ना, इन लोगों की एक आदत बन चुकी है कि हमारे अगेंस्ट में किसी अपने पर्व को ले खड़ा कर देते हैं, किसी को खड़ा कर देते हैं और हमारे पर्व के अलग मतलब इतिहास बनाने का प्रयास, बदलने का प्रयास, उनकी मान्यता को चेंज करने की प्रयास इन मनुवादियों ने शुरू से आज तक की है और हमेशा करते रहते हैं ये लोग, क्योंकि वो लोग हमेशा हमारे हमको नीचे दिखाते हैं। आज हमारे अगेंस्ट में क्यों खड़ा कर दिया भाई, जिसे हम सुरुत्ति दीवारी बोलते थे उन्होंने उसको चेंज करके दीपावली बोल दिया और दीपावली बोलने के बाद उन्होंने राम जी का इतिहास को जोड़ दिया वहाँ पे। अब इतिहास जोड़ने के बाद ये बताने का प्रयास किया कि दीपावली इसलिए मनाते हैं, तो भाई हम क्यों मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात हम जिस दिन मनाते हैं उस दिन वो क्यों मनाते हैं, क्या दूसरे दिन वो दीपावली नहीं मना सकते? तो ये सब चीज़ हैं, इन लोग कहीं ना कहीं हमारे लोगों को नीचे दिखाने का, हमारे मान्यता को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और किए थे। तो हमारे लोग ना ही हम दीपावली को जानते हैं, ना ही हम लक्ष्मी पूजा को जानते हैं, ना ही गोवर्धन पूजा को हमारे लोग मानते नहीं, ना जानते नहीं, हमारे मैथोलॉजी में उसका जिक्र है ही नहीं। अब दूसरी बात, हमारे समाज इसको क्यों मानते हैं और इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या मान्यता है हमारे मैथोलॉजी में, हमारे सामाजिक मान्यता क्या है, ये हमको जानना है। तो सर्वप्रथम आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे समाज इसको दीवारी के रूप में, सुरुत्ति के रूप में मानते हैं, ठीक है। 14 की जो दिन है उसको सुरुत्ति यानी सृष्टि दिवस के रूप में, मतलब सृष्टि सृजन अर्थात उत्पत्ति दिवस के रूप में हम इसको मानते हैं। और क्योंकि प्रकृति के जो शोध रही है, प्रकृति की जो व्यवस्था रही है, जिस प्रकार से आज दीपावली के दिन कंद मूल फल फूल सब परिपक्व हो जाते हैं, जैसे इस दिन हम लोग मतलब एक झुरगा बोलते हैं जिसे, दाना वाला, ठीक है ना, उसकी जो दाना को, उसकी बीज को और जिमी कांदा और जैसे कुमड़ा हो गया, और कुमड़ा का जो जिमी कांदा का जो इस प्रकार से सब्जी बना करके और नया फसल आता है उसका नया दाना, नया धान का जो खीर मतलब चावल को पका करके उसको हम अपने पेन पूर्वजों में अर्पित करते हैं भाई, और पेन पूर्वजों में उसको मतलब जोहार करते हैं, लगाते हैं, उसको अर्पण करते हैं। और उसके बाद फिर हमारे लोग सुरुत्ति के दिन घर में जो कोठा में होता है, कोठा कोठी खेत खार के जो हमारे अनधन के जो देने वाला अनधन के दाता, जैसे कोठा में गुरैया हो गया, तलिया दुरिया हो गया, होले राई हो गया, खेत खार में भैंसा सुर हो गए, इन सबको हम पूजवन मारण करके इसको अर्जी विनती करते हैं। पहला बात तो ये हुआ। और दूसरी बात, इसमें दीप क्यों जलाते हैं हमारे लोग, इसमें दीपक की क्या मतलब प्राथमिकता है, इसको भी जानना है, क्योंकि सुरुहत्ती होता है तो सुरुहत्ती रात के दिन शुरू रात को दीप जला के उजियारा किया जाता है कि आज से जो हमारा जो एक फसल पक गया है और आज हमारा खुशी का दिन आ गया है, मतलब फसल पक गया है और हमारे लिए खुशी का दिन आ गया है। तो इस प्रकार से अंधन की जो
शक्तियां हैं अंधन की, जो देने वाला पूर्वज है, उनकी बात में बताने वाला गण थे, उनके रूप में हम करते हैं। और आज भी यादव समाज के लोग गांव में उसी दिन खिलम उठवा के पूजा करते हैं, डांड़ खिलाते थे, डांड़ खिलाते थे कि नहीं, डांड़ खिलाते थे, और उसके बाद फिर गोबर की पूजा करते थे, करते गोबर की पूजा करते नहीं, तो गोबर की पूजा करते उसमें डांड़ खिलाते हैं, तो पटकना के रूप में, मारन के रूप में कर्रा कुकरा को आज भी वो लोग बछड़ा को पकड़ के मातृत्व की जो भावना को गाय के अंदर में जगाने के लिए, मातृत्व की, माता और बेटा की जो पीड़ा यानी उस प्रेम को बढ़ाने के लिए उस प्रकार से किया जाता है। तो ये जो धन अन्न है, अन्न हमारी माता है, तो इसलिए अधन भी हमारी माता तुल्य है, तो उस अन्न और धन जो हमारी, हम उसके संतान है, तो उसके हमारे बीच में जो प्रेम है वो बनी रहे, इस प्रकार से बछड़ा को पकड़ के गाय को मतलब डांग खिलाते कि उसके प्रेम को, भाव को जगाने के लिए। तो आज भी वो प्रथा हमारे समाज में है, गोबर के घोल बना करके, गोबर के कूड़ा बना करके उसमें एक दीप जला करके चाहे कलश जला करके उसके पूजा अर्चन करते हैं, गोबर में सिलहारी वगैरह को लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं। अब उस गोबर पूजा को ले गोवर्धन पहाड़ की पूजा बता दिया, इसमें हम क्या करें भाई, कभी हमारे लोग गोवर्धन पहाड़ की पूजा किए नहीं है, गोबर की पूजा करते हैं, गोबर की पूजा क्यों करते हैं इसके बारे में हम बताते हैं, क्योंकि गोबर से ही हम उस समय प्रथम खाद्य कौन रही है, कृषि उत्पन्न गोबर रही है, इसलिए गोबर की को भी जोहार करते हैं, गोंगो करते हैं, और इस प्रकार से व्यवस्था हमारे समाज में बनी है। और दिवाली यानी, दिवाली का अर्थ ही होता है कि द्वारी, यानी द्वारी यानी दरवाजा, तो दरवाजा में अंधन हमारे घर के द्वारी में प्रवेश करे, इस प्रकार से हमने जो डेरौठी का जो दीवारी का द्वारी का जो पेन थे उसको अर्जी मिलती हमारे समाज लोग करते हैं। अब रही बात इसको, अब कई लोग उधर जोड़ के देखते हैं तो ये तो बहुत सरासर इंसाफी है, और हमारे लोगों को वहाँ जोड़ करके कभी नहीं देखना चाहिए। अब हमारे लोग गोबर को धन की दात्री मानते थे, धन की उत्पत्ति के कारण गोबर से मानते थे, और मिट्टी को मानते थे, खेत खार को मानते थे, कोठा कोठी को मानते थे, लेकिन उन्होंने उसको लक्ष्मी की मूर्ति बना करके लक्ष्मी धन देती है इस प्रकार से कहा। हमारे लोगों ने साढ़ साढ़ीन का पूजा करते थे उस दिन, और जो गौ धन थे और अन्न थे उसके मतलब गोंगो करते हैं। अब वो लोग ये बताने का प्रयास किया कि लक्ष्मी ही मतलब सर्वश्रेष्ठ है, लक्ष्मी देती है, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, तो भाई जी हम विष्णु हमारे मायथुला जी में है ही नहीं, उसकी पत्नी लक्ष्मी और महालक्ष्मी हमारे मायथुला जी में है ही नहीं, हम जानते भी नहीं हैं उसके, इसके नाम से दीप भी नहीं जलाते हैं, हम तो अपने कोठा की जो गौधन है उसको मानते हैं, बोधा को मानते हैं, भैंस को, गाय को मानते हैं, और उसको जोहार करते हैं, क्योंकि जब फसल पकता है तो प्रथम फसल पकता है तो हम उसको खिलाते हैं, क्योंकि वो हमारे से, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारे अन्न उपजाने में हमारा मदद की है, सहयोग की है, इसलिए हम गौ को पहले उनको खिलाते हैं। अब ये प्रथम प्रथा हमारे समाज में अभी भी मूल निवासी समाज, ST ST OBC समाज करते हैं, और इसको उन लोगों ने अपने इतिहास में जोड़ करके हमारे इतिहास को धूमिल करने का प्रयास किया, यह तो सरासर है। और मैं तो कहता हूँ इसके लिए मैं आजीवन और मरते दम तक संघर्ष करूँगा, लड़ाई करूँगा, हमारे मैथोला जी को बदलने का जो काम कर रहे हैं, हमारी जो मान्यता को बदलने का काम कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, वो तो सरासर गलत है, क्योंकि ये लोग राम से जोड़ते हैं, लक्ष्मी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी से जोड़ते हैं, इसको मैं कटाक्ष करता हूँ, ऐसा हमारे लोगों में इस प्रकार से मान्यता नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है हमारे अगेंस्ट में किसी चीज़ को खड़ो करके, और आज भी हमारे लोगों को नीचे दिखाया जा रहा है, इसको हमको समझना है। एक प्रकार से कहे जाए तो हमारे प्रथा में, हमारी परम्परा में अतिक्रमण कर रहे हैं ये लोग, मतलब एक प्रहार कर रहे हैं, इस प्रहार को हमको कटाक्ष करना होगा, और इस प्रहार को हमको बिल्कुल रोकना होगा, तभी हम अपने व्यवस्था और परंपरा को बचाए रखेंगे, नहीं तो आज की नया पीढ़ी क्या समझेंगे, दीपावली यानी राम जी का, आज की भविष्य नया पीढ़ी क्या समझेंगे, नए युवा क्या समझेंगे, दीपावली क्यों मनाते हैं, तो दीपावली दीप इसलिए जलाते हैं कि राम जी आए थे, राम जी जब आए विजयदशमी को विजय उत्सव मनाया गया, उसके बाद दीपावली को जब रात तिलक हुआ उसका, तो दीप जला करके पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया, दीप उत्सव मनाया गया, इसलिए दीपावली मनाते हैं, क्योंकि आज हमारे नए पीढ़ी समझेंगे, जबकि ऐसा हमारा नहीं है, क्योंकि जिस दिन राम जी अयोध्या से आए नहीं थे,
अब ये राम जी जिस दिन लंका को जीते नहीं थे उसके पहले भी हमारे लोग दिवाली और सुमंती को मनाते हैं। इसमें नरकासुर पूजा होता है, धनित्तर का जो गोंगो होता है नरकासुरा ने, नार का जो पेन होता है प्रमुख होता है नरकासुर, जिसे हम कहे जाते हैं नार कपसुर, तो वो नरका नार का जो असुर होता है जो प्रमुख होता है बल पुष्ट होता है उसका गोंगो करते हैं। और दूसरी बात अब उसको धनित्तर कहते हैं हम लोग, धनित्तर जो जड़ गुरु हुए थे, जिन्होंने जड़ के बारे में वनस्पति के बारे में जिन्होंने हमको फर्स्ट बार प्रथम बार हम हमारे हमको ज्ञान दिया हमको बताया, उस धनित्तर को उन लोग ने अब धन्वंतरी पूजा कर दिया। मैं मेरे को ये समझ नहीं आता ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े इतने भाई। हमारे लोग धनित्तर का जो करते थे अब उन्होंने धन्वंतरी कर दिया, अब उस अब देवगन करते थे उन्होंने, देवगन गुरु को हम जानते थे, देवगुन को जानते थे, उन्होंने देवगन करके अलग उनका इतिहास बताना शुरू कर दिया, धन्वंतरी करके अलग दिया, अब यम दिया जम दिया ऐसे देते हैं, यम कुबेर धम कुबेर, ये जो उनकी जो मानसिकता है ये अपने मानसिकता में क्या बताना चाहते मेरे को समझ नहीं आता। हमारे विरोध में खड़ा होना होते क्यों हैं ये सब चीज़ ना, मेरे को कभी ना मैं सोचते रहता हूँ कि ये लोग ऐसे करके क्या बताना चाहते हैं, ये ऐसे करके हम लोगों से क्या इनका मतलब एक जातिगत या क्या इनका एक पारंपरिक पुरखा से हमारा दुश्मनी रही है कि ये लोग हर हमेशा हमको इस प्रकार से करते हैं। अब हमारे लोग जानते नहीं इसके बारे में इसलिए वो लड़ते नहीं, लेकिन हमको अपना डिक्शनरी को अपने मैथोलॉजी को बिल्कुल जानना चाहिए। और इस प्रकार से जो हमारे संस्कृति के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है और प्रतिघात किया जा रहा है हमारे धार्मिक हमारे जो आस्था को आघात पहुंचाया जा रहा है, हमारे मान्यता को जो आघात पहुंचाया जा रहा है, ये तो सरासर गलत है। और इसके लिए हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को इसके इसके लिए इसका विरोध करना चाहिए और इसके लिए सीना तान के खड़ा होना चाहिए। बस मैं यही अपेक्षा और यही विश्वास करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद लिंगो जी हमारे दर्शक को ये पूरा जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तब तक के जय सेवा जय जोहार।